लेट मी शो यू अदर सीक्वेंस टाइप हियर एज वेल, जिसके अंदर हम डिसेंडिंग और असेंडिंग सीक्वेंसेस भी देख सकते हैं। अब अगर आप गौर करें, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे डिसेंडिंग सीक्वेंस बनाऊं, डिसेंडिंग सीक्वेंस के लिए आप क्या करते हैं, सीक्वेंस 10 to 1 आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं, समझ आई बात को, सिंपल। अब यहाँ पे मैं जो बाय लिखूंगा दैट विल बी -1, यानी कि 10 से -1 होना है। आप इसमें प्लस लिखेंगे दैट विल नॉट वर्क। सो ये है डिसेंडिंग सीक्वेंस, ठीक है। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, बाय का जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली आपके पास चलती रहती है, जो भी आप सीक्वेंस लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके पास 1 के फर्क के साथ चलती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीक्वेंस 10, 1, इसको मैं रन करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली वही हमें वैल्यूज देगी जो डिफॉल्ट सेटिंग पे है। सो ये 1 के फर्क के साथ हमें दे देती है। सो हमारे पास इवन नंबर की सीक्वेंस लेनी है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। ऑफ कोर्स मुझे इसको स्टार्ट भी इवन नंबर से ही करना है, क्योंकि तादाद से स्टार्ट नहीं करना, तो इवन नंबर्स आ जाएंगे। ऑड लेना है तो मैं इसे ऑड से स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे ऑड का ही फर्क दूंगा, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएंगे ऑड नंबर्स। लेट मी सी, ये माइनस में आएगा, सो -2, यस, 10, 8, 6, 4, 2। और अगर मैं इसको 2 से स्टार्ट करके वही फर्क रखता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, लेट मी सी, एंड या आई वुड से हियर 2, 2, 10, और यहाँ पे करते हैं इसको 2, ये हो गए जुफ्त, यहाँ से मैं 1 करता हूँ और यहाँ पे ये हो गए ताक, ठीक है। क्योंकि हम उल्ट चल रहे थे, सो उसकी बेस पे हमें 10 से माइनस करना पड़ना था, 1, 1, 1 या 3, 3, 3।